मेरा एक स्टूडेंट है जो डिप्लोमा किया है, इस साल कंप्लीट होने वाला है, 6th सेमेस्टर में है। और वो मेरे को मैसेज करते हैं कि मेरा सर प्लेसमेंट हुआ एक अच्छे कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, बस टॉप अगर 3-4 ऑटोमोबाइल कंपनीज बोलोगे उसमें हुआ है। पैकेज लगा है 4.5 LPA का। उनका क्वेश्चन है, क्या सर मुझे ये ऑफर ले लेना चाहिए, पहला क्वेश्चन। अगर क्या मैं पार्ट टाइम बीटेक कर सकता हूँ डिस्टेंस से, और नेक्स्ट प्लेसमेंट इन बीटेक थ्रू लीड एडमिशन में जो होता है उसमें उनके सीनियर बता रहे हैं कि भाई प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है लीड के बच्चों का। अब उन्होंने अच्छे कॉलेज से पास आउट किया है, जो उन्होंने कॉलेज का नाम बताया है, मेरे को पता है वो कॉलेज अच्छे कॉलेज है। अब उनके सीनियर ने ऐसा क्यों बताया मुझे नहीं पता, बट ऐसे सीनारियों मेरे को नहीं पता है। बट इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो क्या करें। समझ रहे हैं क्या वो? अगर इफ़ यू आर इन दिस सिचुएशन तो क्या करोगे आप भाई, व्हाट यू शुड डू, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक एक करके। तो पहली बात, अगर किसी का पैकेज, अगर कोई डिप्लोमा पढ़ रहा है, इफ़ यू आर स्टडिंग डिप्लोमा, कोर से हो आप, इफ़ यू आर फ्रॉम कोर सेक्टर, कोर मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इसी भी कोर में आ गया, केमिकल हो गया, ठीक है, या उसके बाद बाकी जो ब्रांचेज हैं, माइनिंग पाइनिंग, ये सारे कोर सेक्टर में आता है, अदर देन आईटी सेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। अगर इस सेक्टर में आप हैं, अगर आपका पैकेज लगता है मोर देन 2.4 LPA, ठीक है, तब क्या करिए आप, तब भाई आप बीटेक करने मत जाइए। 90% केसेस में, 10% केस में तब जाना चाहिए जब आपको पैसे तो मिल रहा है बट कंपनी में अच्छा पोजीशन नहीं मिला, अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला जिसमें कुछ आपको नया कुछ सीखने को मिले। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तब आप ज्वाइन करके छोड़ देना, ज्वाइन तो कर लेना सारी। आप देखो कौन सा डिपार्टमेंट आपको अलॉट करते हैं और उस डिपार्टमेंट आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझ में आएगा इसी वीडियो में, समझ रहे हो? तो वहाँ पर गए आप, फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग होगा कुछ टाइम, वो तो ऐसे थोड़ा बहुत होगा, फिर आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा। मैक्सिमम टाइम क्या होगा, आपको डिपार्टमेंट मिलेगा कौन सा, जो वो बोलेंगे जहाँ खाली होगा। तो डिपार्टमेंट अगर अच्छा मिल गया, लाइक आपको डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हो गया, आपको अच्छा डिपार्टमेंट R&D मिल गया, तो मान लो जैसे R&D किसी को मिलता है, वैसे डिप्लोमा वाले को R&D मिला चांसेस कम है, मिल गया, क्वालिटी मिल गया, प्रोडक्शन मिल गया, परचेसिंग डिपार्टमेंट मिल गया तो ठीक है, मेंटेनेंस मिल गया ठीक है, लेकिन अब वो सेल्स मिल जाता है, घर घर जाकर सर्विस करने का डिपार्टमेंट मिलता है ना, तो भाई जॉब छोड़ दो, उस जॉब को लेने का जरूरत नहीं है। या फिर ऐसे अब काम मिल गया जहाँ पर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ सीखने का काम नहीं है, बैठ के बस टाइम पास कर रहे हो, मक्खी मार रहे हो, फिर नौकरी छोड़ दो, बिकॉज ऐसे एक्सपीरियंस लेने का कोई आपको फ़ायदा इन फ्यूचर नहीं मिलेगा। बिकॉज मेरे पास आते हैं बहुत सारे बच्चे, बच्चे नहीं बोलूँगा, बूढ़े बोलूँगा भाई, 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे भी आते हैं मेरे से कंसल्ट करते हैं, सर मेरे पास 15 साल एक्सपीरियंस तो है, बट एक्सपीरियंस जब देखता हूँ उनका रीजन, भाई किस एक्सपीरियंस लिया आपने, बैठे बैठे टाइम पास करा, कुछ नया सीखा ही नहीं आपने, कुछ स्किल आपके पास है ही नहीं ढंग का। अब 15 साल हो गए मतलब बूढ़े हो गए सही में, 25 से 40 तक 40 साल उम्र में क्या नया करेगा वो यूट्यूब पर देखते हो, एज इज जस्ट नंबर, झूठ बोलते हैं भाई, वो सच्चाई नहीं है इतना, वो एक्सेप्शनल चीज़ें को लेकर क्यों चलते हो यार, वो आपको डुबा के छोड़ेगा और कुछ नहीं होने वाला है, वो सब मत देखा करो, ठीक है। तो कहानी क्या बोला मैंने आपको, जब ऐसा केस है ज्वाइन कर लीजिए, पहली बात, कम थोड़ा हो गया तो देखो आप ज्वाइन, अगर फाइनेंशियल कंडीशन है तो आप क्या करिए, देखो ये वाला केस समझ में आ गया। अच्छा तो जो बच्चा आप जो पूछे थे, बेटे आपका 4.5 LPA लगा है, चुपचाप ज्वाइन करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो किसी का, मैं इसी पे बात करूँ बिकॉज और चीज़ में हम इसमें लाइन लाएंगे, बिकॉज मैं आपका डिप्लोमा हर ब्रांच का वीडियो शूट करना शुरू कर दिया, आपको मिलेगा एक एक करके, थोड़ा टाइम दीजिए बिकॉज बहुत ज़्यादा स्केड्यूल बिजी चल रहा है यार, ALP का बहुत ज़्यादा शूटिंग चल रहा है बिकॉज बहुत कंटेंट बना रहे हैं उस पर, ठीक है, तो उस पर आएगा। अच्छा दूसरा चीज़ पर हम चलते हैं, जो सेकेंड वाला चीज़ है कि सर मैं क्या पार्ट टाइम बीटेक कर सकता हूँ, पार्ट टाइम बीटेक, तो इस चीज़ का मैं आपको, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है मैं आपको ये आपको आज सॉल्व करता हूँ, ताकि आप किसी को भी
बता पाओ, कोई आपको अगर मिसगाइड कर दे तो इस चीज़ के बारे में। सो इसके बाद आप कभी भी मेरे को क्या नहीं करेंगे और किसी को नहीं पूछेंगे पार्ट टाइम बीटेक के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हाई कोर्ट पार्ट टाइम बीटेक करने वालों को हाई कोर्ट का झटका, कहा नियुक्ति व ए जो भी आपका हिंदी मेरा कमज़ोर है, के लिए वैध नहीं है। पदोन्नत ना क्या इसको पढ़ते हैं आप बता देना, इसके लिए वैध नहीं है। मतलब आप ये देखिए 13 मंथ्स पहले का ये बेसिकली हाई कोर्ट के तरफ से हमारे पास आया है, तो समझ गए पार्ट टाइम बीटेक अलाउड नहीं है। बट यहाँ पर एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको सुन के मज़ा आएगा, जो शायद आपको पता नहीं होगा, बट इवनिंग क्लासेस होते हैं, इवनिंग क्लासेस होते हैं और AICT अप्रूव करती कर रखी है कुछ कॉलेजेस को हर जगह, जहाँ पर आप बीटेक कर सकते हैं, और वो सिर्फ होता है किसके लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। वहाँ पर आप जाके बीटेक कर सकते हो। लिस्ट आपको खुद निकालना पड़ेगा, अब मिल जाएगा आपको, ठीक है। उधर जाके आप क्या कर सकते हैं, वो पार्ट टाइम होगा नहीं, फुल टाइम ही होगा वो, ठीक है। तो उधर जाके आप कर सकते हैं, बट मेरे को क्या मिला न्यूज़ के बारे में कि भाई AICT के बोलने के बावजूद भी उन कॉलेजेस में ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बीटेक कोर्स स्टार्ट नहीं हो पाया है, जो मेरे पास न्यूज़ है। अब रियल डाटा मेरे पास का भी नहीं है जो मैं आपको दूं, जो नहीं है कैसे दूंगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट आपका आता है कि सर मैं अगर लीड के थ्रू से एडमिशन लेता हूँ बीटेक में, तो मेरे को प्लेसमेंट में दिक्कत आएगा, मेरे सीनियर लोगों ने बताया है। मैं आपको बता दूँ, देखिए पहली बात, बिकॉज आपने एडमिशन लिया है लीड के थ्रू से कॉलेज में, उसके वजह से प्लेसमेंट दिक्कत नहीं आएगा। प्लेसमेंट दिक्कत क्यों आएगा, बिकॉज कोर सेक्टर में प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, इसलिए दिक्कत आएगा। तो आपके केस में मैं सबको क्या सलाह देता हूँ, अभी 2 साल नौकरी करिए, पैसे कमा लिया भाई, एक्सपीरियंस आ गया, कंपनी वालों को बोलो भैया मुझे बीटेक करना है, मुझे पेड लीव दे दो, पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे को लीव दो, मैं बीटेक करके आऊँगा, दोबारा ज्वाइन कर लूँगा, सिंपल बात कर लो कंपनी वालों से। कंपनी वाले मान गए, अच्छी बात है, नहीं माने कोई बात नहीं, बीटेक तो अब करना पड़ेगा, लीड देके ही करोगे तो अच्छा रहेगा, सरकारी कॉलेज से पढ़ोगे सस्ते में काम हो जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा प्लस बीटेक, फिर आपका प्रेफरेंस बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो प्लस टू करके बीटेक करने करके आपके साथ निकलेगा। बहुत सारे बच्चे का डाउट होगा, सर हम तो इतना टाइम से पढ़े नहीं है, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, हमारे जो पढ़ाई का टच है भूल जाएंगे। किसने बोला भाई पढ़ाई टच भूलने के लिए, आप पढ़ाई करते रहिए, किसने रोका है आपको पढ़ने के लिए, कोई पकड़ के आपका पेन चलाओगे कोई रोक लेगा नहीं ना तो पढ़ते रहो, किसने बोला है, ये सब भाई बहाने हैं, कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है यार, इतने प्रॉब्लम तो आपको रिस्क करना ही पड़ेगा लाइफ में, पता नहीं कितने प्रॉब्लम आएंगे, अभी कहाँ लाइफ देखी आपने, प्रॉब्लम देखना पापा से पूछ, पापा जो आपके पापा मम्मी है ना उनको देखो क्या क्या प्रॉब्लम आता है, फिर आपको समझ में आएगा भैया लाइफ क्या चीज़ है, कैसे आपको जीना चाहिए। अभी तो भैया सुकून वाला ज़िंदगी चल रहा है, आगे देखो क्या होता है। बट आगे वाले जो एन्जॉय करना एन्जॉय करते हैं, जैसे आपने कॉलेज में देखा होगा बहुत से लोग रोते रहते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आया, हमारा इंटरनल मार्क्स कट गया, हम तो फेल हो गए, मास्टर ने चेक नहीं करा अच्छे से, है ना। तो ऐसे ही आगे भी बहुत से लोग रोते हैं, मैनेज कर लेते हैं, रोने वाले रोते रहते हैं। चॉइस इज योर्स, क्या करना है लाइफ में, आपको रोना है या मैनेज करना है, ये आपको देखना है भैया, ठीक है। सो होपफुली आपको एक क्लैरिटी मिल गया आपके जो क्वेरी था उसका, एंड इस पर और कहानी करेंगे कभी और, इतना ही था। लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।